इस स्थान पर लाफिंग बुद्धा रखने से होगा धन लाभ, कमाई में आएगी बरकत। जिस तरह हिंदू धर्म में कुबेर को धन वृद्धि करने वाला माना गया है, उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को शुभ और धन समृद्धि लाने वाला माना गया है। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं और अपने घर में लाफिंग बुद्धा लाकर रखते हैं, लेकिन लाफिंग बुद्धा कहीं पर भी रखने से बात नहीं बनती है। लाफिंग बुद्धा को रखने के लिए दिशा और स्थान का ध्यान रखना भी जरूरी है, यानी आपकी जरूरत जैसी उस अनुसार घर में रखें लाफिंग बुद्धा। किसी भी घर में पूर्व दिशा को परिवार के भाग्य और सुख शांति का स्थान कहा जाता है। आप अपने घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ाना चाहते हैं तो एक लाफिंग बुद्धा पूर्व दिशा में रखें, जो अपने दोनों हाथों को उठाकर हंस रहे हों। फेंग शुई के नियम के अनुसार लाफिंग बुद्धा को अपने घर में दक्षिण पूर्व दिशा में रखें तो इस दिशा की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जो धन और सुख को आकर्षित करती है। घर में रहने वालों की आमदनी बढ़ती है। नौकरी व्यवसाय आपके विरोधियों से आप परेशान हैं तो इसमें भी यह राहत दिलाता है। लाफिंग बुद्धा को घर या दफ्तर में जहां भी रखें, इस बात का ध्यान रखें कि उसकी ऊंचाई आपकी आंखों के बराबर तक हो, यानी लाफिंग बुद्धा इस तरह हो कि आते आते आपकी सीधी नजर उस पर पड़े। अधिक ऊंचाई या नीचे इसे नहीं रखना चाहिए। जिस तरह गणेश जी का मुख दरवाजे की तरफ होना शुभ होता है, उसी तरह मुख्य दरवाजे को देखता हुआ लाफिंग बुद्धा धन समृद्धि को आकर्षित करने वाला माना जाता है।